हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूं प्रसन्न, सुखी, संपन्न होंगे। आज मैं आपको भोजन की थाली के नियम बताने जा रही हूं कि पति पत्नी को एक ही थाली में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, रोचक जानकारी दे रही हूँ। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं ज्योतिषी हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, और आपकी कुंडली देखकर आपके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ जितना मेरा ज्ञान है। 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है मित्रों। तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन परामर्श देती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। थाली के कुछ नियम बताए गए हैं, और भोजन थाली के कुछ नियम इस प्रकार हैं कि जैसे किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, कि कोई भोजन की थाली में खाना छोड़ दे तो उस भोजन को पुनः नहीं करना चाहिए, और खाने में बाल आ जाए तो बहुत ही अशुभ होता है। इसी प्रकार से भोजन करते समय निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। टीवी देखते देखते भोजन नहीं करना चाहिए, पैर हिलाते हिलाते भोजन नहीं करना चाहिए, खड़े हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ आखिरी ग्रास अगर किसी का हो तो वो आपको नहीं खाना चाहिए। कई जगह मैंने देखा कि एक पंक्ति में लोग भोजन कर रहे थे, और जो किसी भी भोज्य सामग्री का आखिरी ग्रास निकलता था तो वो ये कोशिश करता था कि वो दूसरा ही खा ले, और एक दूसरे को ऑफर भी कर रहे थे लेकिन सब मना कर रहे थे। तो आखिरी ग्रास कभी नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं मूल बात पर, जो कि पति पत्नी से संबंधित है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पति को भोजन कराने के बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। हालांकि हम आज के संदर्भ में देखते हैं कि शादी ब्याह में भी पति पत्नी एक साथ भोजन करते हैं, और एक साथ भोजन करने के पीछे वो दलील देते हैं कि आपस का प्यार बना रहता है ऐसा करने से। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें कि पति पत्नी के ऊपर अगर ऊपरी असर है तो एक दूसरे की थाली में नहीं खाना चाहिए। मतलब पति प्रेत बाधा से पीड़ित है, या पत्नी प्रेत बाधा से पीड़ित है और वो एक दूसरे की थाली में खा रहे हैं, किसी भी मनुष्य के साथ में एक थाली में ऐसा नहीं खाना चाहिए जो प्रेत बाधा से पीड़ित हो। पत्नी को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी अगर मासिक धर्म में है तो पति की थाली में भी भूल कर भी भोजन, मतलब छोड़ा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पति का छोड़ा हुआ भोजन अगर पत्नी खाती है तो उनके बीच प्यार बना रहता है और घर में धन संपदा का भी वास होता है। ये बात ठीक है, लेकिन मासिक धर्म है, हो रहा है तो पत्नी को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से पत्नी का झूठा भोजन भी पति को नहीं करना चाहिए। पति का छोड़ा हुआ भोजन अगर नॉर्मल डेज में पत्नी करती है तो उस घर में हमेशा सुख का वास होता है, संतानें पनपती हैं, और उस घर में कोई बीमारी नहीं आती। उस घर का वातावरण सदा हंसी खुशी में व्यतीत होता है। भोजन करते समय अन्नपूर्णा माता को नमस्कार अवश्य ही करना चाहिए, और उनका धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको इतना धन धान्य दिया है, उतना भोजन की सामग्री दी है। भोजन करते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालने वाला कभी भी गरीब नहीं होता। जैसी रोटी पति को खिलाई जाती है उसी तरह से पति का स्वभाव हो जाता है। अगर पहली रोटी आप पति को खिलाएंगे तो उनका स्वभाव सीधा सरल हो जाएगा, गाय का समान हो जाएगा। लेकिन गाय की तरह सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय की तरह सीधा साधा होने वाले मनुष्य को हर कोई बेवकूफ़ बना देता है और अपना काम निकलवा लेता है। इसी प्रकार से आखिरी रोटी कुत्ते की मानी जाती है, तो अगर आपके पति को आप आखिरी रोटी खिलाएंगे तो पति का स्वभाव भी ऐसा ही हो जाएगा। हालांकि कुत्ता स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन है तो पशु ही, तो पशुवत आचरण पति करने लगता है अगर आखिरी रोटी पति को खिलाई जाती है। तो इसलिए पति को रोटी खिलाते समय पत्नी को बहुत सावधानी रखनी चाहिए और दूसरी तीसरी रोटी ही खिलानी चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों को पहले खाना परोसना चाहिए, उसके बाद पति को खाना परोसना चाहिए। पति को खाने में स्वादिष्ट भोजन कराएं।
लेकिन पति को भी चाहिए कि पत्नी का भावना का सम्मान करें। अगर खाने में नमक कम है तो उसकी बुराई ना करें या पत्नी को कह दें कि नमक और डाल दो, लेकिन स्नेहवश ये काम करें।